गाय घाट तट में मिली महिला की लाश मामले में कमरजी थाना प्रभारी का बयान आया सामने। बता दें कि कमरजी थाना प्रभारी विशाल शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों के द्वारा बीते दिनों बताया गया था कि सीधी जिले के गाय घाट तट में एक महिला की लाश मिली है। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और महिला के बारे में पता किया गया। सूचना कंफर्म न होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिसके कारण उसे दफना दिया गया था, लेकिन परिजनों की पता तलाश होने के बाद उसकी बॉडी को आज निकलवाया गया है, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। आइए सुनाते हैं इस विषय पर कमरजी थाना प्रभारी का क्या कहना है। सर, ये आज यहाँ पर बॉडी खुदवाई गई, सर क्या पूरा मामला था बताएं। ये हमको 29 तारीख को सूचना मिली थी रात्रि में, 28-29 की रात्रि में, कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है गाय घाट में। तो फिर हमारी टीम पहुंचकर फिर वहां से रेस्क्यू करी थी। उसके बाद जाकर अगले दिन उसका पीएम करवाकर उसको दफनाया गया था, क्योंकि अज्ञात थी। पर आज इसके परिजन आए थे और सूचना दिए थे कि उसके पति ने आके सूचना दी थी कि मेरी वाइफ है वो, और बस उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की गई है। तो वो लोग किसी पर संदेह जता रहे हैं, तो पीएम रिपोर्ट आ जाए एक दो दिन में, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मझरेटी में सरपंच पद का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न। बता दें कि आज सीधी जिले के ग्राम पंचायत मझरेटी में सरपंच पद का शपथ ग्रहण किया गया। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सर्वप्रथम सम्मेलन ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सचिव गणेश गुप्ता, सहायक सचिव चंद्रभूषण पांडे एवं सरपंच कुसुम विश्वकर्मा एवं उप सरपंच एवं पंच और वहां पर गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष कुसुम विश्वकर्मा के द्वारा आज दिनांक को शपथ ग्रहण समारोह ग्राम पंचायत मझरेटी में किया गया है। बता दें कि आज उनके द्वारा शपथ लिया गया और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। बता दें कि अभी हाल ही में बीते दिनों चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसमें इस वर्ष उन्हें सरपंच पद के लिए चुना गया है, जिस बात को लेकर के आज दिनांक को ग्राम पंचायत मझरेटी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवयुक्त सरपंच के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। लापता हुई दो किशोरियों को ढूंढकर रामपुर नैकिन पुलिस ने परिजनों को सौंपा। सीधी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन में एसडीओपी चुरहट विवेक कुमार गौतम के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रामपुर नैकिन, निरीक्षक सुधांशु तिवारी के कुशल नेतृत्व में रामपुर नैकिन पुलिस ने लापता हुई दो नाबालिग किशोरियों को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के द्वारा जानकारी देकर बताया गया है, दो वर्ष पूर्व तथा दूसरी लगभग दो माह से लापता थी, जिस बात को दृष्टि में लेते हुए रामपुर नैकिन पुलिस को सफलता मिली है। लापता हुई दोनों किशोरियों को ढूंढकर रामपुर नैकिन पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। पिपराव के पास हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक चालक हुआ दुर्घटना का शिकार, रामपुर नैकिन स्वास्थ्य केंद्र से सीधी जिला अस्पताल लेकर। बता दें कि सीधी जिले के पिपराव के पास आज एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार बाइक चालक दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिस बात को लेकर के वहां से निकल रहे राहगीरों के द्वारा 108 वाहन की मदद से घायल व्यक्ति को सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन अत्यधिक चोट होने के कारण घायल व्यक्ति को रामपुर नैकिन स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अब उसका इलाज सीधी जिले के जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि उसके सिर और एक पैर और एक हाथ में गंभीर चोटें आई हुई हैं। जिला अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। यातायात पुलिस के द्वारा सीधी जिले के विभिन्न चौराहों से निकाला गया पैदल फ्लैग मार्च। बता दें कि सीधी जिले के अस्पताल चौराहा, गांधी चौराहा और लालता चौराहे से होकर के यातायात पुलिस के द्वारा आज पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। व्यापारियों को समझाइश दी गई है कि सड़कों पर अतिक्रमण न फैलाएं, जिस बात को लेकर के उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीधी शहर में यातायात व्यवस्था कायम बनाने के लिए आज यातायात पुलिस के द्वारा पैदल फ्लैग मार्च सीधी जिले के विभिन्न चौराहों से निकाला गया है और व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण न करें, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिस बात को लेकर के उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आइए सुनाते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है।